इंदौर के कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के घर हुए डोम हादसे में एक युवक की मौत हो गई, लेकिन इस हादसे के दौरान एक शख्स ऐसा भी था जिसने कई लोगों की जिंदगियां बचाई। जी हां, गौरव शर्मा वैदिक नाम के इस नौजवान ने कई लोगों को सुरक्षित बचाया। देखिए इस खास रिपोर्ट में। हाथ में पट्टा बांधे ये वही शख्स हैं जिन्होंने इंदौर शहर के विधानसभा क्रमांक 1 से कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के घर शोक सभा कार्यक्रम में हुए डोम हादसे में विधायक संजय शुक्ला सहित कई लोगों की जिंदगी बचाई। दरअसल इंदौर में जाने माने ज्योतिषी पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक भी अपने परिवार के साथ विधायक शुक्ला के यहाँ मौजूद थे। इस दौरान हादसा हो गया, तभी उनके बेटे गौरव शर्मा वैदिक ने विधायक संजय शुक्ला के ऊपर गिर रहे लोहे की रॉड को अपने कंधों पर संभाल लिया और लोगों को निकालते रहे। बुद्धिमता से का परिचय देते हुए कई लोगों की जान बचाई और अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जिस तरह आज हमारे बाबूजी ने बताया, उनके पिताजी ने, कि जिस तरह पूरा पंडाल गिर रहा था और उन्होंने पूरा जो सरिया गिर रहा था पूरा अपने हाथों पर लिया, आज उनके हाथों पर भी जर्क आया और डॉक्टर ने MRI का बोला। यदि वो अपने हाथों पर नहीं लेते तो हो सकता था बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। उस समय उसके पीछे ही जो बिजली का पूरा तार जाल बिछा हुआ था उससे बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो निश्चित रूप से उन्होंने जो ये कार्य किया सराहनीय कार्य, और इसलिए हम लोग बेस समाज के लोग उनका सम्मान करने आए थे। और गौरव जी ने इस तरह का जो भी कोई कार्य कर रहे उसके लिए बेस समाज हमेशा उसका सम्मान करता है और करता रहेगा। अगर गौरव शर्मा रॉड का वजन अपने कंधों पर नहीं झेलते तो शायद संजय शुक्ला सहित कई लोगों को चोट लग सकती थी। गौरव की सूझबूझ को देखते हुए लोगों ने उनका सम्मान किया, हालांकि इस दौरान गौरव का हाथ फ्रैक्चर हो गया। कल का जो हादसा हुआ वो बड़ा ही खतरनाक था, और जब हमें सुबह पता लगा कि हमारे मित्र और पत्रकार, शहर के वरिष्ठ पत्रकार गौरव शर्मा जी ने वहाँ पे बहुत ही अच्छी भूमिका अदा की और उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर काफ़ी लोगों को वहाँ से बचाने में सहायता की, यहाँ तक कि उनके पिताजी वगैरह को भी उन्होंने 15 मिनट पहले ही कह दिया था कि आप लोग निकल जाएं, मुझे खतरा है कि ये पंडाल गिर सकता है, तो सभी को उन्होंने बाहर निकालने में मदद करी। फिर पंडाल से ऊपर जो वो एक बड़ा सहारा था जिसपे कि पंडाल टिका हुआ था वही गिर पड़ा, तब गौरव भैया ने उसको अपने हाथों में संभाला, उससे उनके वो जख्मी भी हो गए, पर फिर भी उन्होंने वो पूरा पंडाल जो है अपने हाथों में, जब तक सब लोग निकल नहीं गए तब तक उसको थामे रखा। एक बहुत बढ़िया मानवीयता का एक अच्छा उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, और उसी नाते हम लोग वैश्य समाज के सभी लोग, धीरज खंडेलवाल जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आके उनको हमने का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने अपने मानवीय धर्म का निर्वाह किया, पत्रकारिता तो वो कर ही रहे हैं पर अपने मानवीय धर्म का निर्वाह करके एक मिसाल प्रस्तुत की, इसलिए हम उनका अभिनंदन करने आए हैं। गौरतलब है कि मरी माता चौराहे पर हो रहे इस कार्यक्रम के दौरान तेज बारिश की वजह से टेंट का डोम नीचे आ गिरा। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, वहीं एक की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।